गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में मैं WCL और SCCL के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए आपको एक चैप्टर जो कि एलिमेंट ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी डीजी देशमुख वॉल्यूम टू से मैं जो है ये आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें चैप्टर का नाम है माइन गैसेस एंड देयर डिटेक्शन, जिसमें से एटमोस्फेरिक एयर जो होती है ऑक्सीजन, उसका जो हम अंदर भेजते हैं हवा 100%, उस हवा में क्या क्या होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग ये कहते हैं कि धरती पर जो हवा होती है उसमें 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन 79.37% है, तो ये जो ऑक्सीजन होती है O2% इन एटमोस्फियर इंटेक एयर में 20.60% होती है। अब ये जो ऑक्सीजन 20.60% है, अगर आप एक इंक्लाइन ड्राइव कर रहे हो, जिसमें माइंस एक 1952 का सेक्शन 3 में ये दिया हुआ है कि अगर इसमें 20% से अधिक आप आदमी नियोजित नहीं किए हो, एम्प्लॉयड नहीं किए हो, तो इनके द्वारा हवा कंज्यूम जो की जा रही है वो 0.03 लीटर पर सेकेंड, जिसको इच पर्सन के रूप में कह रहे हैं कि एक आदमी जब नॉर्मल काम करता रहता है, कंफर्टेबली काम करता रहता है, तो एक सेकेंड में 0.03 लीटर, जिसको डीजे देशमुख साहब कहे हुए हैं कंफर्ट वर्क करते समय 1.8 लीटर पर मिनट या फिर 0.03 लीटर पर सेकेंड। इस जो मिनट है 1.8 लीटर पर मिनट ये डीजे देशमुख साहब कहे हुए हैं। इसको आपसे प्रश्न में पूछ सकता है कि लीटर पर सेकंड एक आदमी कंफर्टेबली जब वर्क करता है, आराम से जब वर्क करता है, तो कितना ऑक्सीजन खाता है, इस संबंध में ये डीजे देशमुख साहब बोले हुए हैं 1.8 लीटर पर मिनट। इसको अगर आपका ऑप्शन में सेकंड में दे दिया तो कुछ नहीं करना है, 1.8 लीटर को आपको डिवाइड कर देना है 60 से। तो चलिए पेन उठाइए आप कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर मैं उठा लिया हूं, और जो है निकालते हैं कि 1.8 लीटर पर मिनट को 1 लीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करना है। तो अपन लोग 1.8 डिवाइडेड बाय 60 कर दिए तो ये आ गई 0.03। आप करिएगा तो 0.03 ये हो गई अब लीटर पर सेकंड हो जाएगी, किसमें हो जाएगी, लीटर LT मैं कर दूं इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 0.03 लीटर पर सेकंड। अब यहां से आप, ये सरफेस है, इस सरफेस से आप इंक्लाइन ड्राइव कर रहे हो, आप मान के चलो कि एज ए मैनेजर आप काम कर रहे हो खदान में, और 20 आदमी से अधिक इसमें नियोजित अभी नहीं किए हो, 20% से अधिक नियोजित नहीं किए हो, जो माइसेक 52 का सेक्शन 3 में दिया हुआ है, जो कि हमारे जो आउटलेट्स ऑफ माइन है, जिसकी रेगुलेशन हम लोग पहले 66 कहा करते थे 1957 के तहत, लेकिन अब जो है वो रेगुलेशन बन गई है 71 आउटलेट्स ऑफ फ्रॉम ए माइन, उसमें भी ये इस बात की चर्चा की गई है। तो हम लोग यहां पर आते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि एक आदमी अगर 0.03 लीटर पर सेकंड खर्च कर रहा है ऑक्सीजन, जो हवा आप भेज रहे हो, कितना हवा भेज रहे हो फैन से, 5 क्यूबिक मीटर पर सेकंड, इसी को मीटर जो है आप क्यूबिक मीटर पर मिनट में भी आप निकाल सकते हो, ये 5 क्यूबिक मीटर पर सेकंड है। यूनिट को चेंज करना सीखो तो जो गणितीय प्रश्न है, न्यूमेरिकल प्रश्न है, वो आप आसानी से बना सकते हो, जो WCL के एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। तो यहां पर आप इस सेकंड को जब मिनट में बदलोगे तो इसको 60 से डिवाइड करोगे, ये 60 जंप करके ऊपर पहुंच जाएगी, और इस तरह से जब आप क्यूबिक मीटर पर मिनट में हो जाएगी, ये जो है क्यूबिक मीटर पर मिनट में हो जाएगी, तो आप 5×30 यानी किसी को कहते हो कि 300 क्यूबिक मीटर पर मिनट, जो आपकी सॉलिड ब्लास्टिंग में एक कहते हो कि 300 क्यूबिक मीटर पर मिनट से अधिक हवा हमको जरूरत पड़ती है फेस के पास, 284 क्यूबिक मीटर से कम नहीं होनी चाहिए और 300 क्यूबिक मीटर से जो है पर मिनट से कम नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर आप लोग ये देख चुके कि एक आदमी के लिए, जो आदमी आप काम कर रहे हैं उनके लिए आप 300 क्यूबिक मीटर पर मिनट या 5 क्यूबिक मीटर पर सेकंड हवा भेज रहे हो।
अब इस हवा में से इन लोग कंज्यूम कितना कर रहा है कंफर्टेबली वर्क करते हुए, 0.03 लीटर पर सेकेंड। तो ये 20 आदमी कितना कंज्यूम करेंगे, ये आप इसका ये भी याद कर लीजिए। डी देशमुख साहब में बोला गया है कि जब बेड में आप रेस्ट करते हो, घर में आराम करते हो, तो 0.3 लीटर पर मिनट आप ऑक्सीजन कंज्यूम करते हो, जो भी हवा में रहती है ऑक्सीजन, उसमें से 20.60 में से आप 0.3 लीटर पर मिनट जो है कंफर्टेबली सोते समय, आराम करते समय लेते हो। उसी तरह से अगर 3 किलोमीटर पर आवर के से रन कर रहे हो तो उस केस में 0.78 लीटर पर मिनट आपको कंज्यूम करते हो ऑक्सीजन। तो यहां पर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एग्जॉल्ड एयर में, अगर आपसे पूछता है कि एग्जॉल्ड एयर में जो आप रिटर्न एयर जिसको कहते हो 20% द्वारा कितनी परसेंटेज में O2 निकाली जा रही है, तो चलिए इसकी कैलकुलेशन कैसे करना है उसको हम लोग देखते हैं, जो एक प्रश्न के तहत जो है देखने का प्रयास करेंगे, जो कि एक प्रश्न के तहत देखने का प्रयास करेंगे, जो कि आपके प्रश्न में आई हुई है। चलिए, तो ये कंडीशन समझ चुके हैं, जो कि आपका ये सरफेस एक इंक्लाइन ड्राइव कर रहा है, इस इंक्लाइन में जो माइंस एक 1952 है उसके तहत जो है आप क्या कर रहे हो, 20% से अधिक आदमी नियोजित नहीं कर रहे हो। तो वैसे केस में जो 20% द्वारा जो एग्जॉल एयर हो रही है, हवा जो छोड़ी जा रही है, उसमें ऑक्सीजन कितनी है, इस चीज को निकालना है। तो अभी अभी आप बोले पता है कि O2 कंज्यूम इसको लिख लिया जाए, O2 कंज्यूम बाय ईच पर्सन 0.03 लीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये जो है आप निकाले 0.03 लीटर पर सेकेंड। अब इसमें आपको जो है 20% द्वारा, इफ 20% एम्प्लॉयड देन कंज्यूम्ड O2 by 20% कितनी हो जाएगी, ये 0.03 into 20 कर दीजिए तो ये 20 या 60 हो जाती है, 0.6 ये हो जा रही है लीटर पर सेकेंड। लेकिन हवा जो आप कंज्यूम कर रहे हो, ये देख रहे हो कि 5 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड कंज्यूम कर रहे हो, तो यहां पर O2 कंज्यूम परसेंटेज ऑफ O2 कंज्यूम बाय 20% जिसको क्यूबिक मीटर पर सेकंड में अगर निकाला जाए, तो क्यूबिक मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए 0.6 को डिवाइड करना होगा, क्योंकि एक क्यूबिक मीटर में कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर होते हैं, तो ये 1000 लीटर को आप डिवाइड कर दिए तो ये हो जाएगी किसमें, ये क्यूबिक मीटर पर सेकंड में हो जाएगी, क्यूबिक मीटर पर सेकंड में हो जाएगी, जिसको आप डिवाइड करोगे तो 0.006 क्यूबिक मीटर, 0.006 क्यूबिक मीटर, ये हो गई लीटर क्यूबिक मीटर पर सेकेंड में, ये जो लीटर थी उसको आप क्यूबिक मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दिए हो, बट एयर सप्लाई, कितना एयर सप्लाई हो रहा है, 5 क्यूबिक मीटर पर सेकंड हो रहा है, 5 क्यूबिक मीटर पर सेकंड हो रहा है। तो इस केस में आपको निकालना क्या है, मैं प्रश्न शेयर कर रहा हूं जिसमें क्या निकालना है, O2 कंज्यूम्ड बाय, देखिए आपके सामने जो प्रश्न है उसको मैं शेयर कर रहा हूं, देखिए आपके सामने प्रश्न दिखाई दे रही होगी, मैं लाइट को ऑफ कर देता हूं,
आपके सामने जो प्रश्न दिखाई दे रही है यहां लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है कि एयर इज सप्लाइड एट ए रेट ऑफ 5 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, यानी हवा सप्लाई की जा रही है 5 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड टू 20 पर्सन, यानी कि 20 आदमी जो मैं दिखाया कि नियोजित किए गए हैं वर्किंग एट मॉडरेट रेट, जो वो मॉडरेट रेट से काम कंफर्टेबली काम कर रहे हैं, दैट इज इंडिविजुअल ऑक्सीजन कंजप्शन रेट, जो कि एक आदमी जो कंजप्शन कर रहा है ऑक्सीजन वो 0.03 लीटर पर सेकंड कर रहा है इन ए माइन हेडिंग, माइन का हेडिंग जो आप चला रहे थे, इंक्लाइन जो चला रहे थे, द इनटेक एयर कंटेंस 20.6% ऑक्सीजन, जो इंटेक एयर जो हुई है मैं दिखाया कि 20.6% ऑक्सीजन उसके अंतर्गत है, तो डिटरमाइन द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन द एग्जिट एयर इन द परसेंटेज, तो आपको निकालना है कि एग्जिट एयर में ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन बच रही है अब कितनी बच रही है वो निकालना है। देखिए एयर सप्लाई रेट कितनी है 5 क्यूबिक मीटर पर सेकंड, जो प्रश्न में दी हुई है, जो मैं अभी आपको नीचे में बता भी रहा था। अब O2 कंज्यूम बाय 20%, अभी आप 20 पर्सन द्वारा जो आपकी O2 कंज्यूम हो रही है, एक आदमी द्वारा 0.03 हो रही है, तो 20% द्वारा 0.6 लीटर पर सेकंड हो जाएगी। अभी लीटर पर सेकंड को आप क्यूबिक मीटर पर सेकंड में अगर चेंज करोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे जो कि 0.0006 क्यूबिक मीटर पर सेकंड आ गई। बट O2 इन इनहेल एयर, इनहेल जो हम लोग कर रहे हैं उसमें O2 कितना कर रहे हैं, O2 इनहेल कितना कर रहे हैं, तो ये जो होगी 20.6%, क्योंकि 100% में 20.6% ही आपकी O2 है, तो उतना ही आप इनहेल करोगे, तो कितना टोटल है 5 क्यूबिक मीटर पर सेकंड जो है आपकी हवा सप्लाई हो रही है, इसका 20.6% ही जो है आप इनहेल करोगे। बट O2 इनहेल एयर, जो O2 जो है इनहेल एयर में हो रही है वो कितनी है 20.6% ऑफ द 5 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। तो इसको निकालने के लिए आपको जो प्राप्तांक है यानी कि टोटल जो है उसको 100 से डिवाइड करोगे तो 1% आएगी, और 20.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20.6% आ जाएगी, जो कि वो आ रही है 1.03 क्यूबिक मीटर पर सेकंड। तो चलिए O2 इन इनहेल एयर जो आप इनहेल कर रहे हो उसमें O2 कितनी है, तो आप निकाला 1.03 क्यूबिक मीटर पर सेकंड। देयरफॉर O2 इन एग्जॉल एयर, अब इस प्रकार से जो इनहेल एयर है और जो आप एग्जॉल एयर जो कंज्यूम कर रहे हो, ये टोटल एयर में से इतनी O2 है और आप जो कंज्यूम कर रहे हो इतना कंज्यूम कर रहे हो, तो दोनों को माइनस कर दोगे, हवा में जितनी ऑक्सीजन है उसको और जितना आप खा रहे हो उतना उसको माइनस कर दोगे, तो ये बच गई कितना 1.0294 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड आपकी क्या बची है, O2 जो आप निकाल रहे हो, एग्जॉल कर रहे हो, मुंह से जो है निकाल रहे हो, लेकिन ये परसेंटेज में पूछा है, तो परसेंटेज में निकालने के लिए आपको 100% ऑफ O2 इन एग्जॉल एयर, इस प्रकार से एग्जॉल एयर में जो O2 का परसेंटेज हो जाएगा, तो ये टोटल है 1.0294 जो आप एग्जॉल कर रहे हो, और वो किस में एग्जॉल कर रहे हो, तो ये 100% वाली में एग्जॉल कर रहे हो 5 क्यूबिक मीटर पर सेकंड में, तो इसका जो है 1.0294 क्यूबिक मीटर पर सेकंड ऑफ 5 क्यूबिक मीटर पर सेकंड, इसका निकालोगे परसेंटेज, तो ये जो प्राप्तांक है डिवाइडेड बाय में पूर्णांक इनटू 100 जो आप करते हो, तो ये 1.0294 डिवाइड करोगे 5 से इनटू 100 करोगे, तो ये 20.588% आ जाएगी। तो अब यहां पर ऑप्शन मैच करो कि कौन सी आ रही है, तो देखोगे कि आपकी सी नंबर आ रही है, सी नंबर को टिक लगाओगे 20.588%। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे जो है आप जो ऑक्सीजन सप्लाई करते हो, हवा में जो ऑक्सीजन रहती है और उस ऑक्सीजन में से कितना आप कंज्यूम करते हो, और जब एग्जॉल करते हो यानी कि रिटर्न एयर में जब आपको निकलती है तो उसमें ऑक्सीजन कितनी घट गई रहती है, तो वो चीज आपने देखा जिसके कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उसमें बढ़ी हुई रहती है, जिसके कारण से उसकी ऑक्सीजन की परसेंटेज जो है घट जाती है। इसके अलावा आप जो EMT में ऑक्सीजन के संबंध में हम लोग स्टार्ट किए हैं, तो ऑक्सीजन जो है आपको 153 रेगुलेशन में दी हुई है कि ये 19% से कम नहीं होनी चाहिए जनरल बॉडी ऑफ एयर में, और साथ ही ये भी कहता है जो आप गैसेस के संबंध में बोलते हो कि 17.5% से अगर कम जैसे ही ऑक्सीजन आपके यहाँ होती है माइंस के अंदर में, तो जो फ्लेम सेफ्टी लैंप होती है वो बुझ जाती है,
उससे कम रबर जो है वो नहीं जल पाती, जबकि आप थोड़ी परेशानी के साथ काम कर सकते हो। तो ऑक्सीजन का घटना और वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना या अन्य गैसेस के बढ़ने से ऑक्सीजन की परसेंटेज जो है घटती रहती। इसकी प्रॉपर्टी में आप जानते हो कि ऑक्सीजन जो है हवा के लगभग तुल्य भारी होती है, जिसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 0.967 होती है, और साथ ही जो है ये रंगहीन गंधहीन स्वादहीन गैस होती है जो कि एटमोस्फियर में जो वाटर में घुलनशीलता की जो बात करते हैं डीजे देशमुख साहब कि ये जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब ऑक्सीजन जो पानी में जो घुलनशील होती है ये जो है लिखते हैं द गैस इज कलरलेस अडवरलेस टेस्टलेस स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर एंड स्लाइटली हैवियर देन एयर 100 वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड डिजॉल्व अबाउट 3 वॉल्यूम ऑफ O2 जिसमें 100 वॉल्यूम ऑफ वाटर जो 20 सेंटीग्रेड पर रहती है उसमें 3 वॉल्यूम ऑफ O2 जो है डिजॉल्व रहता है, जिसकी क्रिटिकल टेम्परेचर -119 डिग्री सेंटीग्रेड होती है और क्रिटिकल प्रेशर 50 एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है। तो इस तरीके से आपने जो O2 जो ऑक्सीजन है उनके प्रॉपर्टीज के बारे में जाना और कैसे हम लोग कंज्यूम करते हैं, जो हम लोग कंज्यूम करने से जो ऑक्सीजन की रेट है वो घटती है फ्रेंड्स। तो इससे जो ऑक्सीजन से परसेंटेज है, ऑक्सीजन की जो परसेंटेज घटती है उसका आपने कैलकुलेशन के तहत पढ़ा। ये जो क्वेश्चन थी आपको किसी भी बुक में या कहीं पर भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगी। तो आप मिश्रा सर माइनिंग क्लास के यूट्यूब चैनल को कंटिन्यू देखो और WCL और ACCL के एग्जामिनेशन को पास करके अपनी सीट को बुक कराओ। बैड लक से अगर आप नहीं इसके एग्जाम जो MCL के हुए हैं या आपकी जो NCL की हुई है उसमें आप अगर नहीं निकाल पाते हो तो आप अपने इस एग्जाम को पास करके जरूर निकालो। कंटिन्यू देखो, डेली वीडियो आपको लोड होगी। माइन गैसेस एंड देयर डिटेक्शन से आपको जो वीडियो लोड हो रही है उस चैप्टर की स्टडी करते जाओ। थैंक यू फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।